Just in previous video, we discussed about the Magadha. Magadha was the most important Mahatanka, ruled by a particular ruler. And they did their best to reach the Magadha with prosperity. Now, in this video, we will know about Vajji. Vajji was also a very most important kingdom during the ancient time. And it was enjoyed prosperity when Magadha was at its top or reached position, peak position. So this time Magadha, an important Mahatanka, this time Vajji was also a very prosperous kingdom. But Vajji was a kingdom, but its government was different from the मगध में जहाँ मोनार्की और किंग्सिप सिस्टम थी, Vajji वास गना और संघा। गना और संघा स्टूडेंट इलेक्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए। गना मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल। गण जी के यानी गण इट्स इट इज अ संस्कृत ओरिजिन वर्ड एंड अ ग्रुप ऑफ पीपल इन संस्कृत नोन एज अ गना। व्हाई संघा इट मीन्स एन एसोसिएशन और ऑर्गेनाइजेशन, जैसे जो संगठन होता है ना, एसोसिएशन या ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज नोन एज ए संघ। सो द गवर्नमेंट ऑफ Vajji वाज गना और संघ। लेटर ऑन वी विल डिस्कस ऑन इट। फर्स्ट अंडरस्टैंड अबाउट द कैपिटल ऑफ Vajji। कैपिटल ऑफ Vajji वाज दशा। आई थिंक सो मेनी अमंग यू हैव विजिटेड वैशाली। तो वैशाली घूमने से बहुत सारे बच्चे गए होते। इट इज अ टूरिस्ट प्लेस एंड यू नो एंड दिस वाज द कैपिटल ऑफ Vajji एंड आवर एरिया वेयर वी लिव प्रेजेंट डे इट वाज आल्सो द पार्ट ऑफ Vajji एंड आवर लैंग्वेज वी व्हिच वी स्पोकन इन दिस एरिया इज नोन एज Vajji का। हम लोग यहाँ इस एरिया में हैं, जो लोकल लैंग्वेज है दैट इज नोन एज Vajji का। द एंटायर एरिया इज नोन एज Vajji कांचल एंड द किंगडम वाज Vajji। नाउ नेक्स्ट अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट टाइप ऑफ गवर्नमेंट वाज नोन एज गना और संघा। अंडर दिस मेनी रूलर रूल्ड टुगेदर जस्ट लाइक यू कैन कंपेयर इट विद द प्रेजेंट डे इंडिया। इंडिया आवर कंट्री इट इज अ वेरी बिग कंट्री, अ सिंगल कंट्री। देन इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्टेट्स and different states have their state government. Each state government has their chief minister and each chief minister is responsible to rule over their respective state. And there is a good coordination among all the chief ministers and prime minister is the head who organizes and coordinates among the different chief ministers. Just like this Vajji, it was divided into different smaller kingdoms and each of them was ruled by a ruler and those rulers were known as Rajas. So, एक Vajji एक powerful kingdom था और वो छोटे छोटे टुकड़ों में क्या था, divided था and every unit was ruled by different rulers. अलग अलग unit के अलग अलग rulers होते थे। Those rulers were known as Rajas. And all those rajas meet together frequently. ये सभी जो राजा थे, जैसे कि आज प्रेजेंट एक चीफ मिनिस्टर था अपने अपने स्टेट के, ये सारे क्या करते थे, मेनी रूलर रूल टूगेदर एंड दे ऑर्गेनाइज रेगुलर असेंबली। वो बार बार समय समय पर आपस में मिलते रहते थे एंड दे मेड द प्लान आर यूनिफॉर्म प्लान एंड पॉलिसी फॉर देयर डिफरेंट किंगडम्स and they maintain a good relation among them and coordinate with them. वो लोग आपस में balance relation रखते थे and balance state को follow करके they
In another word, you can say Gana or Sangha. इसको Republican kingdom भी बोलते थे. ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर सबसे पहले डेमोक्रेसी स्टेबलाइज हुई थी पश्चिम में. उत्था एंड महावीरा बिलोंग टू दीज गना और संगर मीन्स देयर किंगडम बोथ वेयर द प्रिंस. बुद्ध एंड महावीरा दोनों के बारे में तुम लोग जानते हो, पहले से जानते हो गए शायद कि ये दोनों क्या थे, अपने अपने समय के प्रिंस थे, राजकुमार थे, सन ऑफ अ किंग. एंड दे बोथ बिलोंग टू संघ या रिपब्लिक के एक प्रिंस थे, राजकुमार थे, बट दे वेयर नॉट इंटरेस्टेड इन द लग्जरीज ऑफ रॉयल लाइफ एंड दे लेफ्ट देयर हाउसेस इन सर्च ऑफ ट्रुथ टू नो अबाउट देमसेल्फ एंड फाइनली दे गॉट एनलाइटनमेंट. लास्ट में इन दोनों को मोक्ष की प्राप्ति हुई, ये लोग एनलाइटेड थे एंड दे फाउंडेड अ न्यू रिलीजन. चंद्रगुप्त, अबाउट चंद्रगुप्त मे बी हर्ड हिज नेम. सो चंद्रगुप्त वाज अ वेरी पावरफुल एंड वाइज रूलर विद द हेल्प ऑफ चाणक्य. ही ओवरथ्रो द लास्ट रूलर ऑफ संघा, द नेम वाज धनानंद. सो धनानंद ही वाज द लास्ट रूलर ऑफ मध्य एंड ही कंपेयर्ड by the defeated by Chandragupta and in this way the Sangha was came to